जगन्नाथ। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। रंगों का त्योहार होली पारंपरिक रूप से अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ लाता है, ताकि वे स्वयं को एवं एक दूसरे को प्यार, एकता और भाईचारे के रंग में ढालकर जीवन से सभी प्रकार के नकारात्मकता को दूर कर सके। ऐसी ही एक अनोखी रस्म का घर उड़ीसा भी है, जहां लगभग 50 गांव के देवता दोल पूर्णिमा के तीसरे दिन एक साथ इकट्ठा होकर 2 दिनों तक होली खेलते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भुवनेश्वर से करीब 15 किलोमीटर दूर जटनी के पास बाछरा गांव की, जहां होली खेलने के लिए देवताओं की एक सभा स्वयं पधारती है। इस तरह से यहां बाछरा मेले के नाम से जाना जाता है। रामेश्वर देव पड़ोसी गांव के देवताओं को होली खेलने के लिए बाछरा गांव में आमंत्रित करते हैं। घोड़े का नृत्य, संकीर्तन और अन्य पारंपरिक नृत्य रूपों के बीच हजारों पटाखे फोड़ने के साथ मंदिर से मेलन मैदान तक भगवान शिव की यात्रा अद्भुत लगती है। 5 प्रमुख शिव मंदिरों के 5 देवता रामेश्वर देव, अरागढ़ के कुंतेश्वर, बरापदा के श्री तलेश्वर देव और पात्रपड़ा के मदन मोहन देव के उपस्थित होने के कारण इस त्योहार को पोंचू दोलन महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। त्योहार के पहले दिन लाखों के हजारों पटाखे विभिन्न रूप में फोड़े जाते हैं। ये सभी पटाखे लोगों द्वारा भगवान को चढ़ाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि मनोकामना पूरी होने के बाद भगवान को पटाखा अर्पित करना उन्हें धन्यवाद देने का सबसे अच्छा तरीका है। यही कारण है कि लोग अक्सर दूसरों से अलग करने के लिए अद्वितीय डिजाइन या पेड़ के आकार के पटाखे लेकर आते हैं। Oh,